भारत और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे के अच्छे पड़ोसी देश है। भारत और बांग्लादेश का एक जैसा इतिहास है, एक जैसा स्ट्रगल है, एक जैसा कल्चर भी है। भले ही आज बांग्लादेश एक अलग देश है, पर 1947 के बंटवारे से पहले वो भारत का ही हिस्सा था। 1947 में हुए भारत के बंटवारे की कटु यादें भला किसे याद नहीं होंगी। दुनिया में उतना भीषण कत्लेआम कहीं दूसरी जगह नहीं हुआ होगा, पर उसका नतीजा क्या निकला? जिस धर्म के नाम पर मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा था, वो 3 दशक भी ना चल सका और बिखर गया। अलग होने की सबसे बड़ी वजह थी इस पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की संस्कृति और भाषा, जो कि वेस्ट पाकिस्तान से अलग थी। ऊपर से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ वेस्ट पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाला भेदभाव भी इसकी वजह बनी। आज पूरी दुनिया को पता है कि बांग्लादेश को बनाने में अगर किसी एक देश का योगदान था तो वो भारत का था। उस समय भारत के विपरीत अमेरिका, चीन, इंग्लैंड और सभी यूरोपियन देश थे, पर फिर भी भारत ने किसी की परवाह न करते हुए ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे बंगालियों को पाकिस्तान के जुल्मों से आजादी दिलाई और साथ में 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को सरेंडर करवाया, और तभी से इन दोनों देशों के संबंध की शुरुआत हुई। पर कभी कभार कुछ कारणों की वजह से इन दोनों देशों के रिश्ते में जैसे ही करवाहट आने लगती है, तभी दोनों देशों के लीडर्स आपस में बैठकर इसे दूर कर देते हैं, और यही निशानी होती है एक अच्छे पड़ोसी की। किसी भी देश के लिए जरूरी होता है कि उसके पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अच्छे रहे और मजबूत रहे, खासकर एशियाई क्षेत्रों में जहां आतंकवाद एक बड़ा खतरा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में, उनके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में, पॉलिटिकल रिलेशन के बारे में, डिफेंस रिलेशन के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, और साथ में जानेंगे दोनों देशों के बीच में कई सारे विवादों के बारे में सब कुछ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेड की शुरुआत 1972 से ही हो गई थी, और पिछले 5 सालों से इन दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ता जा रहा है, जहां 2013-14 में दोनों देशों के बीच $6.6 बिलियन का ट्रेड हुआ करता था, वहीं 2016-17 में यह बढ़कर $7 बिलियन हो गया, 2017-18 में यह बढ़कर $9 बिलियन हो गया, और वहीं 2018-19 में इसने $10 बिलियन के टारगेट को भी क्रॉस कर दिया। 2018-19 में दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ के $10.46 बिलियन हो गई, और इसी के साथ साउथ एशिया में भारत और बांग्लादेश लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गए। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भारत ने बांग्लादेश को वर्ष 2010 से अब तक $8 बिलियन की 3 लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। जनवरी 2010 में भारत ने ट्रांसपोर्टेशन, रोड, रेलवे, पुलों के डेवलपमेंट के लिए बांग्लादेश को $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की थी। इसके अलावा लगभग $2 बिलियन की दूसरी लाइन ऑफ क्रेडिट वर्ष 2015 में और लगभग $4.5 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट 2017 में दी गई थी, और साथ में 2017 में डिफेंस रिलेटेड $500 मिलियन की भारत सरकार ने लाइन ऑफ क्रेडिट दी है बांग्लादेश को। डिफेंस रिलेशन। भारत और बांग्लादेश के बीच डिफेंस रिलेशन बांग्लादेश के बनने से पहले से है। भारतीय सैनिकों ने ही बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया था, पर फिर 1975 के बाद से भारत के रिश्ते बांग्लादेश से अच्छे नहीं थे, पर फिर शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के बीच डिफेंस रिलेशन अच्छे हो गए। भारत और बांग्लादेश ने 2010 में पहली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की, जिसका नाम रखा गया संप्रीति। अब तक दोनों देशों की आर्मी ने 6 बार ज्वाइंट एक्सरसाइज की है। साल 2017 में दोनों देशों के बीच 2 मेन डिफेंस एग्रीमेंट हुए, जिसमें पहला ये था कि दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सरसाइजेस और बढ़ेंगी और इसमें इंडियन आर्मी बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेन करेगी। दूसरे एग्रीमेंट में ये था कि भारत बांग्लादेश की मदद करेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में और साथ में टेक्निकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा। इसके साथ साथ भारत ने बांग्लादेश को डिफेंस रिलेटेड $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी, जिससे वो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट खरीद सके। ये डील का मेन मोटिव ये था कि दोनों देश मिलकर आतंकवाद को साउथ एशियन रीजन में खत्म कर सकें। पॉलिटिकल रिलेशन। पॉलिटिकल रिलेशन इन दोनों देशों के बीच कभी अच्छे रहे हैं तो कभी खराब। अभी की बात करें तो दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे हैं, और इसी कारण की वजह से दोनों देशों के बीच इस समय अच्छे संबंध भी बने हुए। भारत ही वो पहला देश था जिसने सबसे पहले बांग्लादेश के साथ 1971 में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए। इसके अलावा भारत के ही प्रयास थे जिसके जरिए बांग्लादेश को 1974 में यूनाइटेड नेशन की सदस्यता प्राप्त हुई। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि शेख हसीना के भारत से बेहद करीबी जुड़ाव रहे हैं। 15 अगस्त 1975 को जब बांग्लादेश में सेना के गुट ने शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला किया, तो शेख हसीना के परिवार के ज्यादातर लोगों को मार दिया था। किसी तरह शेख हसीना और उनकी बहन बच गई,
पर उन्हें कहीं और शरण नहीं मिल रही थी। तब उस समय इंदिरा गांधी जी ने कई सालों तक शेख हसीना और उनके पति को सुरक्षा और शरण प्रदान की। बाद में स्थिति में सुधार होने के बाद शेख हसीना 17 मई 1981 को बांग्लादेश वापस लौट आई, जहां लाखों बांग्लादेशियों ने उनका स्वागत किया और फिर राजनीति में वो अपने पिता का रुतबा हासिल करने में सफल भी रही। बांग्लादेश को बनाने के बाद और फिर 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी बांग्लादेश में बढ़ रही इस्लामिक कट्टरपंथी। पर फिर शेख हसीना के पीएम बनने के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2015 में बांग्लादेश यात्रा पर दोनों देशों के बीच भूमि सीमा समझौता पर ऐतिहासिक एग्रीमेंट हुआ। इस समझौते के साथ दोनों देशों के बीच 41 वर्ष से चल रहे सीमा विवाद का समाधान हो गया। समझौते के अंतर्गत दोनों देशों के बीच 162 बस्तियां का आदान प्रदान हुआ। बांग्लादेश को 111 बस्तियां मिली, जबकि 51 बस्तियां भारत के हिस्से में बनी। भारत को 500 एकड़ भूमि प्राप्त हुई, जबकि बांग्लादेश को 10,000 एकड़ जमीन मिली। साल 2018 में दोनों देशों ने 130 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का इनॉग्रेशन किया, जिसके चलते पाइपलाइन से बांग्लादेश को 4 लाख मेट्रिक टन डीजल सप्लाई करेगा भारत। फिर इसी साल सितंबर 2018 में बांग्लादेश ने भारत के साथ चिटागोन और मोंगला सीपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट से अब भारत अपना माल इन दोनों सीपोर्ट से आराम से भेज सकेगा और मंगवा सकेगा। साल 2019 में जब भारत ने कश्मीर में से आर्टिकल 370 को हटाया, तो बांग्लादेश ने इसमें भारत का साथ दिया और इसे भारत का इंटरनल मैटर बताया। भविष्य की बात करें तो अब दोनों देश एक साथ मिलकर भारत के एनआरसी के बारे में जरूर से बात करेंगे, क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन भारत की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और इस समस्या को भारत बहुत जल्दी सुलझाना चाहता है, और यही सेम प्रॉब्लम इस समय बांग्लादेश की भी बनी हुई है। तो हो सकता है दोनों देश एक साथ मिलकर कुछ नया लॉ या म्यूचुअल एग्रीमेंट पे साइन कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स: भारत और बांग्लादेश के बीच कई समझौते हुए, पर उसके बावजूद बहुत से विवाद अभी भी दोनों देशों के बीच बने हुए हैं। जैसे ये दोनों देशों के बीच जल विवाद अभी तक बना हुआ है। दोनों देशों की सीमाओं के बीच 54 नदियां हैं। इस विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं और भविष्य में कुछ और समझौते देखने को मिल सकते हैं इस जल विवाद को खत्म करने के लिए। बांग्लादेश से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या अभी तक बनी हुई है। बॉर्डर पर तस्करी पर कोई रोक नहीं लगी है। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश का सेक्युलर से इस्लामिक देश बन जाना ये भी एक समस्या बनी हुई है। भारत बांग्लादेश के रिश्तों में खटास का प्रमुख मुद्दा वहां तेजी से पनपता आतंकवाद भी है, और आतंकवादियों का सबसे बड़ा सोर्स इलीगल इमिग्रेंट्स है। बांग्लादेश और भारत इस समय एक कॉमन परेशानी से जूझ रहे हैं, और वो है इलीगल इमिग्रेंट। ये प्रॉब्लम को दोनों देशों को मिलकर सुलझाना ही होगा, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम नहीं सुलझी तो इसे सिर्फ और सिर्फ दोनों देशों में क्राइम, टेररिज्म और रिलेशन इम्बैलेंस नजर आएगा। बॉर्डर सिक्योरिटी भी एक मेन इशू बना हुआ है भारत बांग्लादेश के बीच। दोनों देशों के बीच 4,351 किलोमीटर सीमा रेखा है, जिसमें पश्चिम बंगाल से 2,216 किलोमीटर है, मिजोरम से 318 किलोमीटर और असम से 262 किलोमीटर। भारत बांग्लादेश के पोरस बॉर्डर को अक्सर तस्करी के लिए एक मार्ग के रूप में उपयोग किया जाता है। बांग्लादेश से हजारों लोग हर साल इलीगली भारत आते हैं रोजगार की तलाश में और अपने जीवन के सुधार के लिए, जिससे दोनों देशों के बीच ये विवाद बढ़ता जा रहा है, और इन्हीं घुसपैठियों को रोकने के लिए भारत सरकार बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को तैयार हो चुकी है, और आने वाले समय में आपको ये देखने को भी मिलेगा। कंक्लूजन: देखा जाए तो फिलहाल इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंध है, और उसकी वजह है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी। उनके अंडर बांग्लादेश अच्छे से ग्रो कर रहा है और पड़ोसी देशों से रिलेशन भी अच्छे हैं, पर यही समस्या भी है, क्योंकि किसी ना किसी दिन शेख हसीना जी पॉलिटिक्स से रिटायर होंगी और उनकी जगह कोई और जरूर से लेगा। वो कैसा इंसान होगा ये तो उसी समय पता चलेगा। पर भारत का बता दूं तो भारत अब किसी भी इस्लामिक देश पे भरोसा नहीं करता है। तो अगर बांग्लादेश में 1975 वाला इस्लामिक कट्टरपंथ वापस से आ जाता है तो फिर भारत पाकिस्तान वाला हाल करेगा बांग्लादेश के साथ। अब यहाँ पे कुछ बांग्लादेशी ये सोच रहे होंगे कि कोई नहीं, हम भारत से रिश्ते खराब कर लेंगे पर चाइना से हम अपने रिश्ते सुधार लेंगे और फिर फोटोशॉप करके भारत को सबक सिखाएंगे। तो एक बात बता दूं कि चाइना पाकिस्तान का शुरू से दोस्त है। उसके बावजूद क्या उखाड़ लिया पाकिस्तान ने अभी तक? जिस देश में एक्सट्रीमिज्म होता है वो देश कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है, इतिहास उठा के देख लो। तो देखा जाए अभी तक भारत ने बांग्लादेश का हर मोड़ पे साथ दिया है, पर बांग्लादेश ने नहीं दिया। यहाँ मैं शेख हसीना जी के टेन्योर के अलावा बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए,
इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर से करिए और जो लोग नए हैं इस चैनल में ईमानदारी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।